देशों में मंदी का साया पसर चुका है। रॉयटर्स के एक सर्वे में दावा यह किया गया है कि महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए जारी ब्याज दरों में बढ़ोतरी अब मंदी कई देशों को अपनी चपेट में लेने वाला है। और अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको सोना इस भाव पर खरीद लेना चाहिए या और दाम घटने का इंतजार करना चाहिए? जरूरी नवरात्रि हो या धनतेरस हो या दिवाली का शुभ मौका, इन दिनों में शॉपिंग को शुभ माना जाता है। और ऐसे मौकों पर शॉपिंग की बात हो तो सबसे पहले जहन में नाम आता है सोने की खरीदारी का। देश की केंद्र बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 महीनों में 10 टन सोने की खरीदारी की है और लगातार पिछले कई महीनों से RBI सोने की खरीदारी कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर RBI किसके लिए इतना सोना खरीद रहा है, तो वही जानेंगे आने वाले एक महीने में सोने का भाव क्या होगा। विश्व में कई केंद्रीय बैंक हैं जो अपनी मुद्रा नियंत्रण और आर्थिक नीतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने में रिजर्व बढ़ाने का फैसला लिया जाता है। सोना दुनिया में एक अति महत्वपूर्ण धातु है। यह अधिकतर देशों में अपनी मुद्रा की आड़ में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा सोना दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो उद्योगों, वित्तीय संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित निवेश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता बनी है। रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव जारी है जिसमें यूक्रेन के साथ कई बड़ी शक्तियां मौजूद है और इसका सबसे बड़ा असर दुनिया भर के बाजारों पर देखने को मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ दुनिया की कई केंद्रीय बैंकों ने सोने में तेजी से रिजर्व बढ़ा दिया है। डॉलर दुनिया का सबसे ताकतवर करेंसी है और इसीलिए डॉलर पर से निर्भरता हटाने के लिए दुनिया के कई देश लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है। डॉलर को कमजोर करने के लिए और अपनी करेंसी को ताकतवर बनाने के लिए दुनिया के कई ताकतवर देश अपने केंद्रीय बैंकों के द्वारा सोने में निवेश बढ़ा रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंकों ने कुछ महीनों में ही 200 गुना गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है और ऐसे में सवाल यह है कि इसका असर सोने की कीमतों पर किस प्रकार से होगा। देखिए, सोने की मांग तेजी से बढ़ रही है। सोने का भाव पिछले कुछ महीनों में तेजी से आगे बढ़ा है। ऐसे में कारोबारियों का मानना है कि सोने की कीमत में आगे भी तेजी जारी रह सकती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक सेफ हेवन के रूप में यानी सुरक्षित निवेश के रूप में सोने में तेजी से निवेश करते जा रहे हैं। हालांकि इतनी बड़ी तेजी के बाद गिरावट आना भी जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और अब सोने की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए। ऐसे में अगर आप सोना खरीदने वाले हो तो इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि सोना खरीदने के लिए सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए जिससे देश का आम आदमी सस्ते में सोना खरीद सके, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।